और इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में शिवसेना कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है और बैठक में उद्धव ने कहा है कि छोटे मुद्दे को ज्यादा ना खींचा जाए। उद्धव का इशारा बीजेपी से सीट बंटवारे पर गतिरोध को लेकर है। उद्धव ने यह भी कहा है कि जब गोपीनाथ मुंडे थे तब लोकसभा चुनाव में बीजेपी से कहीं कोई गतिरोध नहीं था। उद्धव ने यह भी कहा कि उन्हें महाराष्ट्र की जनता सत्ता देने के लिए तैयार है। साहिल जोशी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, साफ तौर पर कह दिया है उद्धव ठाकरे ने कि छोटे मुद्दे जो हैं उन्हें ज्यादा तूल दिया ना जाए, उन्हें खत्म किया जाए, यानी कि शीट शेयरिंग को लेकर ही जाहिर सी बात है वो बात कह रहे थे। तो आखिर फिर पेच फंसता कहां पर दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी कह चुकी है कि उसे मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस मुक्त उसे महाराष्ट्र चाहिए, इस तरह की बात उसने कही है, तो पेच कहां फंस रहा है? पेच सीट शेयरिंग को लेकर फंस रहा है किसी भी तरीके से, क्योंकि इस बार समस्या यह है कि जो गठबंधन है शिवसेना बीजेपी का, उसमें केवल शिवसेना बीजेपी नहीं तो चार छोटी और पार्टियां जुड़ी हुई है। अब ऐसे में उन चार पार्टियों को जो सीटें देनी है वो किसके कोटे से जाए, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि उनकी सीटें कम हो, वो पहले ही कम सीटों पर चुनाव लड़ती है और वो नहीं चाहते कि उससे भी कम सीटों पर वो चुनाव लड़े। शिवसेना अपनी सीटें देने को तैयार है लेकिन कब कितनी सीटें देगी उसको लेकर गतिरोध है। उनको लगता है कि हमने पहले ही 14 सीटें कम की है, 14 सीटें हम कम देने को तैयार है, उससे ज़्यादा कम सीटें हम नहीं दे सकते, उसको लेकर उनको काफ़ी समस्या है। दूसरा मुद्दा यह है कि शिवसेना को लगता है कि जिस तरीके से मोदी वेव की बात लगातार की जा रही है तो मोदी वेव के बजाय शिवसेना का भी सहयोग लेना चाहिए। इसके लिए बार बार हमने देखा कि उद्धव ठाकरे ये जिक्र कर रहे थे कि लोकसभा के समय सीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं रहा था, क्योंकि लोकसभा के समय सीधे गोपीनाथ मुंडे और इनकी बात हुई और सीधे वो काम पे लग गए थे, लेकिन इस बार सीट शेयरिंग की वजह से मामला फंस रहा है और उनका कहना है कि जनता में इसका एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, जो दोनों पार्टियों के को लेकर अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। सत्ता के लिए एक अच्छा मौका है लेकिन वो मौका गंवा ना दें हम लोग इस झगड़े के चक्कर में। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि कौन झुकेगा, क्या शिवसेना और सीटें अपनी कम करने को तैयार रहेगी या बीजेपी को शिवसेना की बात माननी पड़ेगी, इसको लेकर अभी भी तनातनी चल रही है, क्योंकि वो खुद मान रहे हैं कि तनातनी चल रही है गठबंधन में। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिर कौन झुकता है, क्योंकि दिल्ली में भी यहां पर बैठकों का दौर जारी है और आज शाम में चुनाव समिति की बैठक होनी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद कोई एक फैसला ले सीट शेयरिंग को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिल तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें, आपसे और जानकारी लेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि मुंबई में शिवसेना तो दिल्ली में बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है और आज कहीं ना कहीं फैसला निकलने की उम्मीद है कि आज फैसला आ जाएगा। 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, ऐसे में बहुत वक्त गुजर चुका है। ये भी सच्चाई है कि अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं नुकसान की बात है दोनों ही पार्टियों के लिए।